हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने अपने 12th क्लास के केमिकल काइनेटिक्स यूनिट्स का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल किए थे और मैंने थोड़ा हिंट भी दे दिया था उसी टॉपिक में कि रेडियो एक्टिव हो तो भी यही है। तो आज नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक तो है श्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी होंगी? श्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मीन्स एक्चुअली वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो दोज रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट अंडर सर्टेन कंडीशन दे एक्ट एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या अंडर सर्टेन कंडीशन देयर ऑर्डर एक्ट एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो दे आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट अंडर सर्टेन कंडीशंस दे बिहेव एज द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कुछ सर्टेन कंडीशन पर फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेंगे। हमारा काम तो यही हो जाता है, वो चाहे गिवन कंडीशन पर करें या कैसे भी, वो फर्स्ट ऑर्डर है होनी चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा जो फर्स्ट ऑर्डर पर किया था? एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोजियो C2H5COO C2H5, हाइड्रोलिसिस कर दें हम इसका, किस में टूटेगा ये? C2H5COOH प्लस C2H5OH, ये गिवन कंडीशन पर सपोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसके लिए हमारा K क्या आएगा? 2.303 बाय टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। वही टी हाफ हमारा क्या आएगा? 2.303 बाय K लॉग 2, जिसको हमने क्या लिख दिया था, इज इक्वल टू ये क्या आएगा? 0.693 बाय K, सेम रहेगा। हाँ, एक केस ऐसा हो जाए, मान लिया वो हमें वॉल्यूम दे दे, एक एट इनफाइनाइट टाइम और एक दे दे टी टाइम पर और एक दे इनिशियल, तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो हम सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2.303 बाय टी, ये तो यही रहेगा, लॉग ऑफ, मान लिया उसने वॉल्यूम दिया एट इन्फिनिटी, माइनस वी एट जीरो अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस VT। वॉल्यूम के केस में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, V इन्फिनिटी इनफाइनाइट टाइम पर जो वॉल्यूम है, नोट इनिशियल, T टाइम पर, ये हुआ इसके केस में। अब इसके केस में नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिनका डीके होता रहेगा, जिनके अंदर से रेडिएशन निकलेंगे, सेल्फ डीके करते रहेंगे। अब इसमें भी ये भी क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर कोई भी है तो फॉर्मूला क्या रहेगा? K इज इक्वल टू यही वाला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.303 बाय टी लॉग ऑफ एन नॉट बाय एन, एन क्या है उसके इनिशियल जो अमाउंट है, एन जो गिवन टाइम पर है वो है। अब इसमें ये के क्या है? के आधी बार रेडिएक्टिव होगा तो देगा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि वहां डिसइंटीग्रेट हो रहा है। और इसमें एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता, एवरेज लाइफ ऑफ रेडिएक्टिव सब्सटेंस। तो डिसइंटीग्रेशन का क्या होगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट मतलब जो एवरेज लाइफ है दैट इज इक्वल टू 1 बाय के, किसकी इक्वल आएगी? 1 बाय के के। अब वो हाफ लाइफ टाइम पीरियड दे के पूछता है जनरली। अब हमें पता है टी हाफ किसके इक्वल आता है? 0.693 बाय के। अगर यहां से हमें इसकी एवरेज लाइफ निकालनी है वो किसकी इक्वल आएगी? 1 बाय के, यही आएगी, 1 बाय के के इक्वल आएगी। तो 1 बाय के तो ये हो ही गया, हम ये 1 बाय के इधर रख लें तो ये क्या हो जाएगा? टी हाफ, और उधर आके 0.693 क्या जाएगा इसके अपॉन
मीन्स एवरेज लाइफ किसके इक्वल आएगा, टी हाफ अगर गिवन है हमें तो डायरेक्ट लिख देंगे अपॉन 0.693, ये क्या आ जाएगी एवरेज लाइफ। गॉट इट। अब एक दो न्यूमेरिकल बता देते हैं इसके ऊपर, फिर एक्टिवेशन एनर्जी बताएंगे। एक तो न्यूमेरिकल ये आपके एनसीईआरटी की बुक का भी है कि कई बार वो ऐसे पूछ लेता है, शो दैट द टाइम रिक्वायर फॉर 99.9% ऑफ डीके ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 10 टाइम्स टू इट्स हाफ लाइफ टाइम पीरियड। हमने कहा टी 99.9% के लिए जो होगा ना वो इक्वल होगा 10 × t हाफ, t हाफ का 10 टाइम्स। प्रूव कर लेते हैं। देखो हमारा जो टी हाफ है वो किसके इक्वल आएगा, 2.303 बाय के लॉग ऑफ कितना आता है 2, ठीक है, ए अपॉन ए माइनस एक्स और 2 आएगा। ये इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग 2 की वैल्यू क्या आती है 0.3010, मैंने इतना पुट कर दिया। अब t 99.9% के लिए कितना आएगा, वो आएगा 2.303 बाय के लॉग ऑफ ऊपर क्या आएगा 100 अपॉन 100 माइनस 99.9 यानी कि 0.1 को आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा। समझ आए यहां तक? तो ये क्या हो गया 2.303 बाय के log 10 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2.303 बाय के 3 log 10, log 10 1 होता है, तो ये क्या आ गया 2.303 बाय के इंटू 3, ये पार्ट तो कॉमन है उसका, ये 10 टाइम्स है, चाहे करके देख लो t 99.9 बाय t हाफ कितना आएगा 2.303 बाय के इंटू 3 अपॉन 2.303 बाई के इंटू 0.3 कितने पर कट जाएगा 10। ये कहाँ काम आएगा? कई बार ऐसे न्यूमेरिकल्स या ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर रेडिएक्टिव सब्सटेंस होगा तुमसे टी हाफ भी पूछ लेगा और टी 99.9% भी, तो वहां तुम्हें आंसर पहले ही पता होगा, 99.9 की तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तुम वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। जैसे वो कहे 40% डीके ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज कंप्लीटेड इन 100 मिनट्स, फाइंड इट्स टी हाफ एंड टाइम रिक्वायर फॉर डीके ऑफ 99.9%। ये क्वेश्चन है तो हमें टी हाफ तक के लिए स्ट्रगल ज्यादा करना है, टी 99.9 तो हमें आंसर पहले ही पता है। कैसे 40% के लिए टी की टी 40% के लिए कितना गिवन है तुम्हें 100 मिनट, टी 40% होगा क्या 2.303 बाय के लॉग ऑफ 100 बाय 100 माइनस 40 मीन्स 60 लॉग 10 बाय 6। अब के निकालना है तो के इधर भेज दिया, टी 40 के लिए कितना है 100 मिनट्स, के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से क्या आया के इज इक्वल टू 2.303 बाय 100 और यहाँ पर आएगा लॉग 10 माइनस लॉग 6, लॉग 10 माइनस लॉग 6 के इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 2.303 बाय 100 लॉग 10 तो 1 होगा, लॉग 6 की वैल्यू कितनी आएगी, तुम ऐसा करना लॉग 2 की याद कर लो, टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितनी होती है 0.3010, लॉग 3 कितना होता है, लॉग 3 की होती है 0.4771 या 47 या 48 यूज कर लेंगे, लॉग 4 याद करने की जरूरत नहीं है, 2 की पावर 2 यानी कि 2 log 2 उसका डबल आएगा।
लॉग फाइव की याद कर लो 0.6991 या इसको 0.7 यूज कर लेंगे। लॉग सिक्स फिर याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों? लॉग टू इंटू लॉग टू इंटू थ्री यानी कि लॉग टू प्लस लॉग थ्री, लॉग टू की वैल्यू ये रही, लॉग थ्री की वैल्यू ये रही, इनको ऐड कर लेना बस, कितना आ जाएगा 7.8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.78। लॉग सेवन की फिर याद कर लो, लॉग एट की फिर याद नहीं करनी पड़ेगी, लॉग नाइन की नहीं करनी पड़ेगी, लॉग टेन की पता ही है। कैसे? 8 की 2 का क्यूब कर लेना, 9 में 3 का स्क्वायर कर लेना, 10 1 होता है। तो अब हमारा कितना आया लॉग 6? 0.78। 1 में से सबट्रैक्ट कर लो, k इज इक्वल टू क्या आएगा 2.303/100 इंटू 2 और यहां 9 - 7 2 0.22 या गया किया गया। तो अब हमें बाकी क्या निकालना है, किआने के बाद नेक्स्ट हमें इसमें निकालना था टी हाफ। टी हाफ क्या आएगा वो तो 0.693/k, यह आया कहां से था, यह आया था तुम्हारा 2.303 इंटू 0.30 अपॉन के, के की वैल्यू ये रही 2.303 इंटू 0.22 और 100 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएंगे, ये डेसिमल हट जाएंगे, कितना आ गया तुम्हारा अपॉन 22। ठीक है, T99.99 कितना आएगा 2.303/k log 100/100 - 99.9 यानी कि 0.1, ये हो जाएगा जो अभी हमने पहले भी किया था 10^3, ये आएगा 3 log 10 2.303/k इंटू 3, k की वैल्यू वहां से पुट करो 2.303 इंटू 0.22 और 100 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएंगे। अब ये देखो पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा, 2 0 और बढ़ा दिए हमने, ये आ जाएंगे, इसको सोल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो कितनी 0 है, 4, यहाँ कितनी है 3, 1 0 का ही फर्क आएगा आंसर में, बाकी सेम रहेगा। गॉट इट? तो ये कुछ न्यूमेरिकल मैंने बताए थे, इस टाइप के न्यूमेरिकल हमारे आ जाते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वैसे तो नेम से इंडिकेट हो रहा है, एक्टिव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए मिनिमम किसी भी रिएक्शन को, तो इसको हम थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म में देख लेते हैं। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उन रिएक्टेंट्स को, वो क्या होगी, थर्सोल्ड एनर्जी। कि थर्सोल्ड एनर्जी क्या होगी, द मिनिमम एनर्जी, एनर्जी विद विच रिएक्टेंट्स मस्ट कोलाइड सो एज दे कन्वर्ट इंटू प्रोडक्ट या सो दैट दे मेक इफेक्टिव कोलिजन, मतलब प्रोडक्ट में जाए। अब वो मिनिमम एनर्जी क्या है, थर्सोल्ड। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, सपोज ये है थर्सोल्ड एनर्जी और यह है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, तो जो गैप है यही क्या होगा हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी। ये मान लिया ई थर्सोल्ड है, ये ई रिएक्टेंट्स की है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी। अब निकालेंगे क्या, इसमें से ये सबट्रैक्ट कर दो, मींस एक्टिवेशन एनर्जी की क्या होगी, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर दो या रिक्वायर्ड कर दो, एब्जॉर्ब बाय
रिएक्टेंट्स टू अचीव थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये होती है, ये यहां से थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बता सकते हैं हम। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। चाहे तो तुम ई ए निकाल लो तो क्या आएगी, ई थ्रेशोल्ड माइनस ई रिएक्टेंट, या ई थ्रेशोल्ड निकालनी है तो क्या आएगी, ई एक्टिवेशन प्लस ई आर। ये क्या था हमारा, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए। अब इसमें हमारे लास्ट के दो टॉपिक बच गए हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट कांस्टेंट पर, और हमारी कोलिजन थ्योरी। ये कल करेंगे, कल कंप्लीट हो जाएगी यूनिट, तो यहाँ तक के अपने कंप्लीट टॉपिक्स करेंगे। ओके, थैंक यू।